हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके भी इंस्टाग्राम स्टोरी का व्यूज शो नहीं कर रहा है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन मेरा स्टोरी देखा नहीं देखा, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार का प्रॉब्लम अगर आपका भी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जहाँ स्टोरी जिस स्टोरी पर प्रॉब्लम आया है उस स्टोरी को आप एक बार डिलीट करके और दोबारा डाल के देखेंगे तो अगर आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आपको मैं आगे का स्टेप बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो स्टोरी का प्रॉब्लम है वहाँ जाकर के एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे कि मैंने देख पा रहे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है, उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करना है, अपने नीचे यहाँ पे प्रोफाइल पे आना है, और प्रोफाइल पे आने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर में क्लिक करना पड़ेगा थ्री लाइन पर। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाता है, फाइनली इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हेल्प वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर में ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, तो आपको उस पर क्लिक करना है, और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से एक ऑप्शन देखने को मिलता है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका जो है प्रॉब्लम के बारे में कुछ यहाँ पर लिख देना है। इंस्टाग्राम हाई इंस्टाग्राम सी कम्युनिटी कम्युनिटी टीम प्लीज प्लीज सॉल्व माय इंस्टाग्राम स्टोरी व्यूज नॉट शोइंग प्रॉब्लम। इस तरह से लिख लेना है, देख करके बिल्कुल आप सेम इस प्रकार से लिख लेंगे। हाय इंस्टाग्राम कम्युनिटी टीम प्लीज सोल्व माई इंस्टाग्राम स्टोरी व्यूज नॉट शोइंग प्रॉब्लम, इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको गैलरी पे क्लिक करना है। आप डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो मैं पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो मैं यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करने वाला हूँ। तो आपको पहले से ही स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है और गैलरी पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो स्क्रीनशॉट आपने लिया उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, और स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करने के बाद आपका दोनों यहाँ पे आ जाएगा, आपका लिखा हुआ भी दोनों चीज़ रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। उसके बाद आगे की तरफ करना है, आपको ऊपर सबमिट का बटन देखने को मिलता है, इस सबमिट पे क्लिक करना है, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टर्न ऑन सेक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वेट करना है 24 से 48 घंटा, आपका जो है प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे आप मेरा यूजर नेम देख रहे हैं ऊपर में, तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर दूँगा।